आग जंगल में लगी थी, लेकिन बस्तियों में धुआं जा पहुंचा। एक उड़ती हुई चिंगारी का साया फैला तो कहां जा पहुंचा। तंग गलियों में उमड़ते हुए लोग जो बचा लाए जाने अपनी, अपने सर पे जनाजे अपने, अपने हाथों में जबाने अपनी। आग जब तक ना बुझे जंगल की, बस्तियों तक कोई जाता नहीं। हुस्ने अजशार के मतवालों को हुस्ने इंसान नजर आता ही नहीं। अहमद नदीम की ये पेशकश पहाड़ों की हालत में बिल्कुल सही बैठती है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में जाना हर किसी को पसंद है, लेकिन क्या पहाड़ों की चीख सुनाई देती है? जंगलों में जलते हुए, भागते दौड़ते, अपनी जान बचाते हुए जानवरों का डर महसूस होता है? सालों से अपनी जमीन और हवा के लिए लड़ते हुए पहाड़ियों की तकलीफ का अंदाजा कभी हुआ है? शहरों के धुएं और इंसानों के लालच ने प्रकृति का जो हाल किया है, उसका प्रकोप आज हम सब देख रहे हैं। प्रकृति संतुलन पर चलती है, अगर आपने संतुलन बिगाड़ा तो प्रकृति आपका संतुलन बिगाड़ देगी। बहुत ही बुरा लगता है जब इंस्टाग्राम पे कुछ इंटेलिजेंट लोग ये कहते हैं कि जंगल की आग एक नेचुरल फिनोमिना है। बिल्कुल मान लिया, लेकिन क्या इससे पहले आप 50 डिग्री की गर्मी में झुलसे हो? क्या एक साल में बार बार इतने आग लगने की घटनाओं के बारे में सुना है? विंटर में कौन सी फॉरेस्ट फायर होती है? साल 2021 से अब तक 8 बार से भी ज़्यादा जंगल का 3090 हेक्टेयर फॉरेस्ट बर्बाद हो चुका है। फॉरेस्ट फायर नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। आसपास के गांव में खाने से लेकर पानी तक की बड़ी प्रॉब्लम होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जंगल की आग में दम घुटने और जलने से जानवरों से लेकर इंसानों तक की मौत की घटनाएँ अब और भी बढ़ने लगी है। फॉरेस्ट फायर कार्बन सिंक का एक बहुत अच्छा मीडियम था, लेकिन अब रेगुलर फॉरेस्ट फायर के इवेंट ने इसे कार्बन का सोर्स बना दिया है। बिल्कुल इसी तरह जो जंगल हमारे पूरे कार्बन एमिशन को सोख रहे हैं, पूरी दुनिया को बचा रहे हैं, वही एमिशन का सबसे बड़ा सोर्स होते जा रहे हैं। उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य नहीं है। लास्ट 3 साल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और लगभग देश के अधिकतर जंगलों में ऐसी भयानक आग लगी है। सिचुएशन इतनी भयानक है कि सरकार की तीनों एजेंसीज, NDRF, लोकल पुलिस और इंडियन आर्मी को इसमें दिन रात लगना पड़ रहा है। इस भयानक आग से बर्फीले पहाड़ों पर भी बहुत खतरनाक असर देखने को मिला है। हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो इंडिया के 40% वाटर सिस्टम को मैनेज करती है। हिमालय पे होने वाला क्लाइमेट चेंज का असर का खामियाजा सिर्फ पहाड़ी राज्यों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हमें आगे बताने की जरूरत है कि हिमालय का ग्लेशियर्स का पिघलना हमें किस तरह से अफेक्ट करेगा। इसका छोटा सा टीजर 2021 में चमोली में हम देख चुके हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जाके अगर आप खुद को महसूस कर पाते हैं तो इसकी वजह वहाँ का जंगल और वहाँ की इकोलॉजी है। आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ के लोकल्स और वहाँ के पूरे इकोसिस्टम पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है इस चीज़ की, जो आने वाला कल है उसे रोकने में आप पूरी जी जान लगा दोगे। हो सकता है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को आपकी तरह खुली हवा में सांस लेते हुए देखना चाहते हो। आपकी वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन ये लड़ाई बिना एक हुए नहीं जीती जा सकती। अगर आपको मुझसे कुछ भी कहना है या मुझसे कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले हफ्ते।